जय माता दी दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन को सरल और सुखदायी बनाने में ज्योतिष शास्त्र का हमेशा से अहम योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसे में हमको अपनी दिन भर की दैनिक दिनचर्या को सफल बनाने के लिए हमारे दैनिक राशिफल के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं मेष राशि वालों का 16 और 17 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल कैसे रहेंगे आपके ये आने वाले दो दिन। चलिए जानते हैं, ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपको सुधार करने एवं स्वस्थ होने का विशेष अवसर मिलने वाला है। आप भूतकाल में की हुई अपनी किसी गलती को स्वीकार कर लेंगे और सामने वाले को संतुष्ट करने में कामयाब रहेंगे। ऐसा करके आप अपने दिल से काफी बड़ा बोझ उतार पाएंगे। आज आपको यह अनुभव होगा कि खुश रहना काफी हद तक शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और अगर आप अपनी सेहत के लिए हानिकारक आदतों में लगे रहे तो आप किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे। आज का दिन उन बदलावों को दिनचर्या में शामिल करने के लिए बहुत अच्छा है जो आपको फिट रहने के लिए जरूरी है, इसीलिए आज ही उन्हें अपनाने का संकल्प लें। आज आप और आपके पार्टनर दोनों ही के पास नए आइडिया हैं। आप एक साथ या तो अपने ऑफिस या घर पर ही अपने करीबियों के लिए छोटी सी पार्टी रख सकते हैं। यह दोनों ही चीजें समाज में आपके रुतबे को बढ़ाएंगी और इससे आपको लोगों के साथ और बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलेगी। केवल अपने शुभ चिंतकों को ही न बुलाएं, औरों को भी बुला सकते हैं। लालच आज आपके रास्ते में दिखाई देगा, लेकिन आवश्यक है कि आप सही मार्ग पर चले। गलत और छोटे रास्ते अंत में आपके करियर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सही रास्ता चुनना इतना आसान नहीं होगा और ये तभी हो सकता है जब लालच आप पर हावी न हो। अगर आप अपने से यह नहीं कर सकते हैं तो एक सच्चे शुभचिंतक की सहायता ले सकते हैं जो आपको मजबूत रहने में मदद करेगा। आज आपके मन में नकारात्मकता और निराशावाद हावी रह सकता है। ऐसा मूड दिन भर भी रह सकता है, लेकिन खास तौर पर दोपहर के पहले आपकी यही स्थिति रह सकती है। आपको जो भी व्यक्ति मिलेगा आप उससे भावनात्मक समर्थन की अपेक्षा करेंगे। आप चाहेंगे कि वह न केवल आपसे स्नेह करे बल्कि उसे जताए भी। वास्तव में आप सुरक्षा की भावना की तलाश अपने आसपास के लोगों में सक्रिय रूप से करते रहेंगे। खास तौर पर किसी सामूहिक कार्य के दौरान आपका यह असुरक्षा बोध बहुत तीव्र हो सकता है। किसी सामूहिक कार्य में आप अग्रणी या नेतृत्वकारी भूमिका में आने से इनकार कर देंगे, अपनी समझ का प्रयोग ही नहीं करेंगे और किसी अन्य व्यक्ति के नियंत्रण में काम करने में ज्यादा सहज महसूस करेंगे। ऐसी मनोदशा में आपको परिवार से बहुत ठोस मदद मिलेगी। आप अपनी समस्याओं और अनुभवों को अपने परिवार के लोगों या निकट मित्रों के साथ बेधड़क साझा करें। उनसे बात करने के बाद आपका मूड बेहतर हो जाएगा। दोपहर के बाद आप अपना आत्मविश्वास बहुत हद तक वापस प्राप्त कर लेंगे और फिर अपनी कुछ महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। आज आपके प्रेम या दाम्पत्य संबंध सामान्य और संतुलित रहेंगे। आप किसी पारिवारिक समस्या में उलझे रह सकते हैं। आज नया निवेश न करें, आपकी पैसों की आवक संतोषजनक रहेगी। कार्य क्षेत्र में आप बहुत प्रगति करेंगे, अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, साथी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। सावधान रहें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। आज दोपहर के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप प्रसन्नता बनाए रहें तो स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। आज विद्यार्थियों को परीक्षा या प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिलेगी। पढ़ाई में खूब मन लगेगा। आप किसी नए कोर्स में शामिल होने के बारे में विचार करेंगे। प्लेसमेंट प्रयास सफल होगा। आपके भविष्य के लिए एक बेहद उज्जवल समय है और आप कुछ नवीन विचारों के बारे में सोचने में सक्षम हैं जिससे उन्हें उनकी कीमत का पता चलेगा। आपके सभी निर्णय सही साबित होंगे और लोग आपके निर्णय लेने की शक्ति की तारीफ करेंगे। कठिनाइयों के बावजूद आपको सफलता प्राप्त होगी। आप धन और साझा धन से संबंधित चुनौतियों का अनुभव कर सकते हैं। आप उलझन, गलतफहमी और बदतर मामलों में धोखाधड़ी या ठगी का शिकार हो सकते हैं। भाई बहन और पड़ोसियों को कई बाधाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधित मामलों के लिए समय अनुकूल नहीं है, इसलिए अपने रिश्ते में वफादारी बनाए रखें और अपने साथी को अपने जीवन में महत्वपूर्ण बनाएं तथा उन्हें बताएं कि वे आपके जीवन में कितने निकट है। कुछ अलग तरह के कार्यों में रुझान बढ़ सकता है, जैसे सजावट, फाइनेंस, फैशन, एक सपोर्ट डिजाइन इत्यादि के क्षेत्रों में रुझान बढ़ने से कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है। पेट का दर्द हो सकता है, ज्यादा खाने की आदत पर अंकुश पाए तो बेहतर होगा। अकेली दवा काम नहीं करेगी। आपके लिए आज का दिन काफी अच्छा हो सकता है। आपको कुछ मामलों में नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो आपको आज अपने साथियों को मोटिवेट करने और उनकी कोशिशों की तारीफ करना होगी।
आपका टीम के साथ व्यवहार ही आपकी सफलता की दिशा तय करेगा। निजी जिंदगी में आपको किसी तरह के लॉयल्टी टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है। आज आप अपने आहार में संतुलन रखें, पानी अधिक पिएं, अपनी टीम के काम को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करें। एक नई योजना को आपकी विशेषज्ञता की आवश्यकता हो सकती है। आपका साथी आपसे स्पष्ट संवाद और वफादारी चाहता है। इसके लिए अपने आप को तैयार रहना चाहिए। शरीर से विषाक्त पदार्थों को साफ करने के लिए बहुत सारा पानी पिएं। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ भाग्य वृद्धि के अवसर आपकी प्रसन्नता में वृद्धि करेंगे। यात्रा का योग है, भाग्य का साथ मिलेगा। उन्नत कारक दिन है और बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। कार्यालय में किसी सहकर्मी से विवाद हो सकता है। अच्छा हो आज का काम कल पर टालें। खान पान में अति न करें। समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन अथवा शुभ सूचना मिल सकती है। कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होगा, चाहे कोई मित्र आपको उपहार ही क्यों न दे। विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। धार्मिक कार्य, देव दर्शन और यात्रा धाम की मुलाकात से आनंद होगा। आज का दिन आपके लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आएगा। पिछले कुछ दिनों से घर का वातावरण ठीक नहीं चल रहा था। घर के सदस्यों के बीच तालमेल बिगड़ने से रिश्तों में दूरियां आ गई थी, लेकिन आपकी लगातार कोशिशों की वजह से आज माहौल कुछ अच्छा हो सकता है। कामकाज के मोर्चे पर आज का दिन काफी व्यस्त रहेगा। आज काम कुछ ज्यादा ही रहेगा। आपको अपने सहकर्मियों से तालमेल बिठाकर चलना होगा। इससे आपको उनका सहयोग मिलेगा और आप आसानी से अपने काम पूरे कर सकेंगे। पैसों के मामले में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। नए निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। आप काफी फुर्तीले रहेंगे। भावनात्मक रूप से आपका कठिन समय चल रहा है तथा आपके हृदय के घाव भरने में थोड़ा और समय लगेगा, परंतु आपके अपने लोगों से आपको करुणा एवं सहानुभूति प्राप्त होगी। जल्द ही यह समय भी निकल जाएगा। आज आप निष्क्रियता एवं थकावट महसूस करेंगे। यह आपके सक्रिय स्वभाव के विपरीत होगा। सहजता से क्षुब्ध भी हो जाएंगे। ध्यान से आपको उस तनाव और दबाव से निपटने में सहायता मिलेगी जिससे आप पीड़ित होते हैं। तनाव आपकी शारीरिक मजबूती और ताकत को समाप्त करेगा। शारीरिक लाभ के लिए, विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लें। अचानक आए अप्रत्याशित खर्चे आपके ऊपर आर्थिक तौर पर बोझ डाल सकते हैं। किसी नजदीकी रिश्तेदार या मित्र की तरफ से मिली अच्छी खबर के साथ दिन की शुरुआत होगी। आज के दिन आप अपने प्रिय को बहुत याद करेंगे। दफ्तर में आपको कुछ उबाऊ काम करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके खोने या चोरी होने की संभावना है। यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा। नकारात्मक विचार जहर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। योग व ध्यान का सहारा लेकर आप इस नकारात्मकता का नाश कर सकते हैं। आज के दिन अनावश्यक रूप से क्रोध करने से बचना चाहिए। वास्तव में आप बड़े ही बैलेंस स्वभाव के व्यक्ति हैं। यही स्वभाव को बनाए रखना है। बात सही हो या गलत बोलते समय इस बात का ध्यान रखें कि कौन सी बात कैसे कहनी है। सेल्स से जुड़े लोगों का आज टारगेट पूरा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को ग्राहकों की सुविधाओं का ध्यान रखना होगा। हेल्थ में आज मेडिटेशन व योग को शामिल करें। पेट के साथ साथ दिमाग को भी हेल्थी भोजन की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। यदि पारिवारिक निमंत्रण आता है तो अवश्य जाना चाहिए। आज का दिन आपके लिए अनुकूलता की ओर संकेत दे रहा है। भाग्य का आज आपको पूरा साथ मिलेगा। किसी यात्रा पर जाने से मन खुश हो जाएगा। तीर्थ यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। व्यापार में सफलता हाथ लगेगी, लेकिन अपने बिजनेस पार्टनर से अच्छी बात करें क्योंकि वे आपसे झगड़ सकते हैं। दांपत्य जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अच्छे काम करते रहेंगे। विरोधियों से सावधान रहें। स्वास्थ्य मजबूत होगा। दांपत्य जीवन में अच्छे समय की अनुभूति होगी। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानी हो सकती है। नौकरी में मन लगाकर काम करेंगे। आज परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। इस राशि के बुकसेलर के लिए आज का दिन लाभ दिलाने वाला है। राजनीतिक से जुड़े लोगों को अपने काम में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। पैसों से जुड़े कुछ काम आज रुक सकते हैं। इससे आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। जो युवा प्राइवेट जॉब की तलाश में हैं, आज उनकी अच्छी जगह पर नौकरी लगने की संभावना बन रही है। मिट्टी के बर्तन में चिड़ियों के लिए पानी भरकर रखें।
आपके पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना मेष राशि वालों का 16 और 17 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे इस एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आपको मिल सके हर हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।